आगामी त्योहार और विधानसभा चुनाव को लेकर शाजापुर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। शुक्रवार को शाजापुर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सभी धर्म समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पुलिस ने आम जनता से आचार संहिता का पालन और सद्भावना पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। वहीं नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे बाद DJ सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग पहले तो कौन कौन त्यौहार है पार्ट टू आ रहा है आपका आपका मंडल है ना कर रहा है बात है हमारा जवाबदारी जो भी शासन की गाइडलाइन है नवरात्र स्टार्ट होने वाली हैं तो इस संबंध में जो भी शासन की गाइडलाइन है उन नियमों का पालन करते हुए हैं प्रॉपर परमिशन लेकर आप लोग जो भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके बगैर एक परमिशन के थ्रू कीजिए और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो कीजिए और शासन प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को देखते हुए जो भी आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं वो अच्छे से करिए और जिसमें कि शांति और सौहार्द का माहौल रहें और किसी प्रकार से कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना रहे और एक सौहार्द का वातावरण रहे सिटी में बने इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में शांति बजी बैठा हुई इसमें सेवा नर्सिंग हो गए और साइन हो गए और हमारे दोनों TI साहिबान की उपस्थिति गई थी जिसमें शांति समिति के सभी तरह की उपस्थित हुए थे। सर ये जो निर्देश सारे सर्कुलेट हो गए सभी को? हाँ ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है इसमें इंडक्शन भी दिए गए हैं इनको ये फिलअप करके देंगे और उसमें परमिशन लेंगे और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों को परमिशन मिलेगी और जो भी इनके वॉलेंटियर हैं उनकी एक लिस्ट रहेगी तो उसके अनुसार ये लोग अगर जो भी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं उन्हीं नियमों का।